दोस्तों एरोप्लेन में कई सारे सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये सारे सीक्रेट्स पता नहीं होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स के बारे में। नंबर वन, दोस्तों यदि उड़ते हुए प्लेन में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एयर होस्टेस या क्रू मेंबर उस व्यक्ति के डेड बॉडी को आराम से सीट पर बिठा देते हैं और कोशिश करते हैं कि लैंडिंग से पहले अन्य यात्रियों को पता ना लगे कि मौत की खबर सुनकर प्लेन में अफरा तफरी मच सकती है। नंबर टू, वैसे तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है और प्लेन में हथियार ले जाना लगभग नामुमकिन होता है, फिर भी कोई व्यक्ति हथियार ले जाना चाहे और प्लेन को हाईजेक करना चाहे तो यह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी जैसे अन्य विकसित देशों में प्लेन के अंदर एक या दो ट्रेंड कमांडो होते हैं जिसकी आईडी पायलट या एयर होस्टेस के पास भी नहीं होती। नंबर थ्री, दोस्तों प्लेन में किसी जगह इस प्रकार का त्रिकोण निशान होता है। यह निशान उस खिड़की के ऊपर होता है जहां से प्लेन के विंग्स एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, और यह निशान यात्रियों के लिए नहीं बल्कि पायलट के लिए होता है। यदि पंख में कोई दिक्कत हो जाए तो इस निशान की जगह आकर पायलट पंख देकर परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर फोर, क्रैश लैंडिंग में प्लेन में काफी झटके लगते हैं और कभी कभी प्लेन में आग भी लग जाती है तथा क्रैश लैंडिंग के बाद ज्यादातर प्लेन के दरवाजे नहीं खुल पाते। ऐसी स्थिति में बाहर निकलने के लिए पायलट की सीट के नीचे कुल्हाड़ी होती है जो प्लेन के कांच और या दरवाजे को तोड़ने के लिए काम में प्रयोग की जाती है। नंबर फाइव, दोस्तों किसी भी प्लेन में पायलट और सहायक पायलट दोनों को अलग अलग भोजन दिया जाता है, क्योंकि एक भोजन के कारण एक पायलट का पेट या तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सके। नंबर सिक्स, दोस्तों यदि प्लेन के टॉयलेट में कोई व्यक्ति फंस जाता है या बेहोश हो जाता है तो उस परिस्थिति में एयर होस्टेस टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर ऑक्यूपाइड की ऊपर लेबोरेटरी या टॉयलेट की पट्टी करके सीक्रेट बटन दबाकर दरवाजा खोल सकती है और उस व्यक्ति को बाहर निकाल सकती है। नंबर सेवन, दोस्तों प्लेन में सफर के दौरान ज्यादातर यात्री और पायलट सो जाते हैं। लंबी फ्लाइट में कम से कम दो पायलट होते हैं जिससे एक खुफिया केबिन में सोया होता है और दूसरा पायलट सीट पर अखबार या मैगजीन पढ़ रहा होता है, क्योंकि टेक ऑफ के बाद प्लेन ऑटो पायलट में होती है। एक पायलट सीट पर सिर्फ ध्यान रखने के लिए बैठा होता है। उसी तरह एयर होस्टेस के लिए भी आराम करने के लिए कुछ खास प्रकार के केबिन होते हैं।